अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एस एन ऑनलाइन ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसे कि हम थंबनेल में पढ़ा, फंडिंग्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज जो पाकिस्तान COVID-19 के दौरान अपनाई और कितनी फंडिंग्स को एक्सेप्ट किया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग होने वाला है सब स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसका टॉपिक मैंने एक यूनिक टॉपिक में इसका मैंने चूज़ किया है, पाकिस्तान एंड COVID-19 आउटब्रेक जो आपके सामने शो होने वाला है। जी हाँ, ये आपके सामने पाकिस्तान का एक केयर के लोगों के साथ आपके सामने शो हो रहा है, जिसमें सब डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने फंडिंग्स बाहर के ममालिक से मुतारे तौर पर या लोगों सूरत में ली और कौन कौन सी पॉलिसीज पाकिस्तान ने अपनाई ताकि COVID-19 को रिड्यूस किया जा सके। 2019 से लेकर अब तक तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मौजूद है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं फंडिंग्स। ये टेबल है, मैं डिस्कस करता हूँ। वर्ल्ड बैंक की जानब से 200 मिलियन, एशियन बैंक की जानब से 2 मिलियन USD, गवर्नमेंट ऑफ चाइना की तरफ से 4 मिलियन, USA 1 मिलियन, जापान 2.1 मिलियन USD, पाकिस्तान ने फंडिंग ली ताकि अब वो फाइट कर सके अगेंस्ट COVID-19। तो डिटेल्स के ऊपर आप पढ़ सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स के ऊपर आप पढ़ सकते हैं। ये एक ओरिजिनल डाटा जो कि एक ओरिजिनल साइट से लिया गया है कम्युनिटी रिसर्च के साथ, जितनी फंडिंग्स पाकिस्तान ने ली है सबकी डिटेल्स टेबल में मौजूद है, डेट के साथ हर चीज़ के साथ मौजूद है। तो आगे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने लोन कितना लिया और किससे लिया। तो ये आपके सामने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1.4 USD बिलियन एडिशनल फंडिंग ली IMF से ताकि वो कोविड जैसी वबा को फेस कर सके, इसको रिड्यूस कर सके। आगे हम बात करते हैं पैकेजेस, ये पैकेजेस जो गवर्नमेंट ने अपने आवाम को दिए COVID-19 के दौरान। इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अनाउंस इज ₹1.2 ट्रिलियन फॉर वी की पैकेज। सारे की सारे पैकेज आगे आने वाले हैं टेबल की सूरत में, जो आप रीड कर लें, जिसमें हम तमाम पुअर फैमिलीज के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तमाम की डिटेल इस वीडियो में मौजूद है। टेबल आपके सामने शो होने वाला है। जी हाँ, टेबल आने वाला आपके सामने। तो जल्दी से टेबल देखें, वेज वर्कर 200 मिलियन, लो इनकम फैमिली 1.550 बिलियन, एक्सपोर्ट 100, एग्रीकल्चर 100 बिलियन, इसके अलावा डिफरेंट मौजूद है आपके आगे। तो इसके अलावा जो पाकिस्तान ने COVID-19 के दौरान जो काम किए, जो बनाई टाइगर फोर्स, जो हम बहुत मशहूर थी, एक फेमस हुई थी उस टाइम रिलीफ टाइगर फोर्स, तो ये उसको अनाउंस किया कि 27 मार्च 2020 को इस, और इसके अलावा इसको 31 मार्च 2020 को इसको शुरू किया गया, जिसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसकी तादाद मौजूद है, जिसका मकसद था गरीब लोगों को खाना पहुँचाना अपने घरों तक। स्टेट बैंक की जानब से क्या क्या पॉलिसीज को अपनाया गया उसका भी हम डिटेल में देखते हैं। हंड्रेड बिलियन बैंक रिफाइनेंसिंग को स्टिमुलेट, पैसा करने के लिए पाकिस्तान ने जितनी फंडिंग्स, जितने लोन, जितनी पाकिस्तान ने पॉलिसीज अपनाई ताकि आवाम को इस मसले से निकाला जा सके, वो सबकी डिटेल इस वीडियो में मौजूद है। एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए इसलिए बनाएंगे ताकि आपको बेहतरीन कंटेंट जो कि कहीं नहीं आपने देखा होगा, सुना होगा, वो आपको इस तरह मिलेगा। इसकी इंशाल्लाह इसकी बड़ी वीडियो भी आपको तक मिलेगी इंशाल्लाह। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो
ट्यूटर, ऐसी मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव और वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक अस, शेयर अस, सपोर्ट अस, लव अस।